अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजान और आप देख रहे हैं सी टेक। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूं। जो अनबॉक्सिंग वीडियो है ये एक डॉलन्स के माइक्रोवेव ओवन की अनबॉक्सिंग है। आज की इस वीडियो में आपको जो ओवन है इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, इसकी प्राइसिंग के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि जो ओवन है किस प्राइस में आता है और इसकी क्वालिटी किस तरह की है। मॉडल नंबर के बारे में बताता चलो तो ये जो ओवन है DW295 के नाम से आता है और आज की वीडियो में इसको अनबॉक्स करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद आने वाले तीन ऑप्शन में से ऑल को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चले फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये तो अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कुछ जो इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर मेंशन स्पेसिफिकेशन है वो बताऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन है माइक्रोवेव ओवन, ये माइक्रोवेव है, कुकिंग ओवन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इसका मॉडल नंबर मेंशन है जो कि DW295 है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पे इसकी ओवन की एक पिक्चर बनी हुई है और इसके अलावा यहाँ पे पास ऐसे कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स मेंशन है। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं तो देखते हैं कि ओवन किस तरह का है। ये तो जो ओवन का बॉक्स है उसके सील्स को मैंने ब्रेक कर दिया है और इसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है इस वजह से मैं इसको ओवन को निकाल के तो बॉक्स के अलावा मैं ओवन यहाँ पे रखूँगा और दिखाऊँगा आपको कि ओवन किस तरह का है। तो चलें फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सीन में। ये तो फ्रेंड्स जो ओवन है इस वक्त हमने इसको बॉक्स में से बाहर निकाल लिया है, तो अब ये देख सकते हैं इसकी फर्स्ट लुक। तो अब इसके ऊपर शॉपर है, शॉपर को मैं उतारूँगा फिर आपको इसकी एक्चुअल लुक नज़र आएगी। तो इसका जो प्लास्टिक ऊपर रैपर था उसको मैंने निकाल दिया है इसमें से, तो अब देख सकते हैं आप इसकी किस तरह से लुक है। तो यहाँ से दूर से आपको थोड़ा सा क्लियरली ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा, तो अब इसको मैं थोड़ा सा क्लोजअप करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप इसकी क्लियर लुक देख सकें। ये तो अब इस वक्त देख सकते हैं ओवन की क्लोज लुक के ओवन किस तरह का है। तो यहाँ पर हमें एक इसका ग्लास देखने को मिलता है और इसके अलावा यहाँ पर भी जो इसका पैनल है ये भी ग्लास का बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टिकर है जहाँ पर लिखा है 6 ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ बाय शेफ महबूब, जो शेफ महबूब हैं उनकी इसमें 6 रेसिपीज़ जो हैं वो इसके साथ फ्री में मिलती हैं। यहाँ पे कुकिंग भी मेंशन है बट ये प्रॉपर कुकिंग ओवन नहीं है, लेकिन ये जो थोड़ी बहुत कुकिंग है वो कर लेता है। तो यहाँ पे कुछ में बटन्स देखने को मिलते हैं, तो हम इसको ओपन करके और इसकी पैकिंग वगैरह रिमूव करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अंदर से ओवन किस तरह का है। तो अगर हम इसकी पैकिंग को रिमूव करें तो मैं आपको इसकी मज़ीद क्लियरली लुक दिखा सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है ये ओवन। तो अब दोबारा से इसको देख सकते हैं, मैंने अब इसके ऊपर से प्लास्टिक वगैरह रिमूव कर दिया है। ये है इसका छोटा सा एक डिस्प्ले जो कि 8 4 डिजिट सॉरी डिस्प्ले है इसका। तो इसके अलावा यहाँ पे एक माइक्रोवेव का बटन है, यहाँ पे टाइम डिफ्रॉस्ट का बटन है और यहाँ पे क्लॉक रीसेट वगैरह और यहाँ पे स्टॉप क्लियर और स्टार्ट की यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। और यहाँ पे हमें एक नॉब देखने को मिलती है और यहाँ पे मेंशन है टाइमर, वेट, ऑटो मेन्यू वगैरह। तो खैर ये इसके कुछ फीचर्स हैं। तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका काफ़ी खूबसूरत हमें स्टील का इसका पाइप हैंडल मिलता है। और इसके अलावा इसको हम ओपन करके देखें तो इसकी लुक जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब काफ़ी अच्छे साइज़ में ही आता है। तो अगर मैं आपको इसके थोड़ा बहुत साइज़ के बारे में आइडिया करवाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो कितनी सी है। तो इसके अलावा इसकी डेप्थ का भी आप जो विड्थ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो डेप्थ है तकरीबन जितनी इसकी विड्थ है उतनी ही इसकी तकरीबन डेप्थ है। तो ये लोहे की बॉडी में आता है ओवन और जो वाइट पेंटेड है आपके सामने। इसके अलावा इसके अंदर से हम देखते हैं क्या क्या कुछ निकलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये इसकी क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिलती है और इसके बारे में यहाँ पे हमें कुछ गाइड किया गया होगा इसके फंक्शंस के बारे में कि हमने इसको किस तरह से ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर के इसको कितने फासले पर रखना है, सारी डिटेल्स मेंशन है यहाँ पे। तो ये आप इसको लाजमी पढ़िएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो उसके बाद हमें एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है जिसके ऊपर यहाँ पर सीरियल नंबर मेंशन है और इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं। तो इसके वारंटी के जो शरायत ज़वाबित टर्म्स एंड कंडीशन वो मेंशन है। तो इसके एक साल की वारंटी के साथ आता है ओवन। उसके बाद मज़ीद हमें यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई थी एक रेसिपी बुक देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कुछ रेसिपीज़ हैं ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर रेसिपीज़ हैं और वैसे भी इसकी जो थोड़ा सा हमें बताया गाइड किया गया होगा कि जो किस फंक्शन को यूज़ करके हम किस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, ये हो इसकी बुक। इसके अलावा हमें ये इसका एक छोटा सा एक मिलता है पार्ट जो कि इसके नीचे लगेगा और इसके ऊपर जो हमारी प्लेट होगी वो लगेगी। तो इसकी प्लेट साइज़ हम देखते हैं कि इसका साइज़ कितना सा है।
एक बॉक्स है इसके अंदर, इसकी में प्लेट और इसका जो रिंग है वो देखने को मिलता है। तो इसको भी मैं अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि किस तरह का है। ये तो वो जो बॉक्स था उसके अंदर से हमें एक ये रिंग देखने को मिला है, और ये रिंग आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर छोटे छोटे हमें टाई टाइप देखने को मिलते हैं जिसके थ्रू ये रोटेट करेगा। तो ये जो रिंग है इसको हम यहाँ पर रखेंगे, और इसके जो अंदर ये आपको एक होल नज़र आ रहा होगा, और जो इसका होल है इसके अंदर हम इसको फिट करेंगे। इसको आई थिंक ये स्क्रू के थ्रू टाइट होगा, और उसके बाद इसके ऊपर ये प्लेट आएगी तो तब ये जो है तैयार हो जाएगा। अगर मैं इसका प्लेट का साइज़ आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसका जो प्लेट का साइज़ है तकरीबन ये आई थिंक 10 इंच के करीब इसका प्लेट का साइज़, तो काफ़ी अच्छे साइज़ में आता है ये ओवन। और इसके अलावा आप इसकी प्रॉपर बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा ओवन है ये। इसके प्राइस के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, इसकी जो ऑफिशियल प्राइस है डॉलन्स की वेबसाइट पर वो तकरीबन इसका जो प्राइस है 11,000 के करीब है। तो आपको यही 10 to 11,000 ग्राउंड बोर्ड मार्केट में मिल जाएगा। बट इसकी अगर मैं आपको बताता चलूँ वैल्यू के बारे में, तो ये जो इसकी सेल है मार्केट में तकरीबन 12,000 रुपीज़ में भी ये सेल हो रहा है मार्केट में। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ओवन है ये, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो ये थी आज की वीडियो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस ओवन की अनबॉक्सिंग प्रोवाइड करनी थी और दिखाना था ओवन किस तरह का है, इसकी प्राइसिंग के बारे में आपको बताना था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हूँ आपका होस्ट जान, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।